नी लॉक हो जाते हैं, जो चेयर पे बैठे रहते हैं सारा दिन उनके नी लॉक हो जाते हैं, जिनको दुकान पे चौकड़ी लगा के बैठना पड़ता है उनके नी लॉक हो जाते हैं, जिनको कथा कीर्तन करना का पड़ता है, जिनकी बैठक ज़्यादा है, सिटिंग ज़्यादा है, उनको चौकड़ी लगाना या बैठना इसमें बहुत मुश्किल आती है, तो घुटने सख्त हो जाते हैं। धीरे धीरे फिर उनमें टॉक्सिन्स रुकने शुरू हो जाते हैं घुटनों में, क्योंकि जो चीज़ मुड़ी रहेगी हर समय उसमें रक्त का प्रवाह वहाँ से निकलते वक्त कुछ ना कुछ वहाँ गंदगी छोड़ जाएगा, तो फिर घुटनों के आसपास की नसों में जब टॉक्सिन्स रुकने लग जाते हैं, कैल्सिफिकेशन होने लग जाती है, तो फिर सख्त हो जाते हैं घुटने। तो फिर लोग बताते हैं एक टांग सीधी होती है एक होती नहीं, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। सीधे लेट गए, घुटनों के लिए व्यायाम कराऊंगा। घुटनों के लिए पहला व्यायाम कैसे, एक दाईं टांग को सीधा उठा लिया ऊपर और सीधा उठा करके हाथ दोनों कस लिए आपस में, शिकंजा कसना बोलते हैं इसको, इंटरलॉक, तो घुटने के नीचे रख दिया, टांग अभी देखो मेरी मुड़ी हुई है। फिर मैं क्या करूँगा, सांस भरूँगा और सीधी कर दूंगा इसको, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, तान दो पूरा। एक होता है अर्धहलासन, बस ये वही है, इसको बोलते हैं एक पाद अर्धहलासन, लेकिन सालंब। एक होता है निरालंब, निरालंब का मतलब है बिना सपोर्ट के, विदाउट एनी सपोर्ट, जैसे ये कर रहा हूँ मैं, एक टांग से टांग उठा दी ऊपर, तो एक पाद अर्धहलासन ये बन जाता है अर्धहलासन। अर्धहल मतलब हलासन पीछे जाना है, हलासन बोलते हैं इसको। इसको हलासन बोल दिया, तो फिर इसको क्या बोलोगे, इसको अर्धहल बोलेंगे। अर्ध मतलब आधा, हाफ, अर्धहलासन। और जब इसको अर्धहलासन बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एक पाद अर्धहलासन। अच्छा, जब इसको एक पाद अर्धहलासन बोलोगे तो फिर इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सालंब। सालंब मतलब सपोर्ट के साथ, सालंब एक पाद अर्धहलासन। तो कैसे करना सालंब एक पाद अर्धहलासन को, सांस भर के तान दो टांग को। यही व्यायाम है पहला घुटनों के दर्द का, जो बीच में मैंने अभी करके दिखाया एक दो, वो तो समझाने के लिए थे, नाम याद कराने के लिए थे। फिर नीचे वापस, फिर दूसरी टांग उठा दी, दूसरी टांग को उठा के ऐसे पहले इंटरलॉक करा हाथ से, फिर सांस भरी। बहुत सुकून मिलेगा, घुटनों के दर्द वालों को कराओगे उनको ऐसे महसूस होगा जैसे किसी ने उनके लिए कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया हो उन पे। सांस भर के, पहले पहले दर्द भी होगा, वो दर्द कैसा होता है, वो दर्द सहज है, स्वाभाविक है, मीठा है, वो दर्द आराम देगा, ये किसी भी घुटनों के दर्द के मरीज को नुकसान नहीं करता, चाहे गैप आ गया है, चाहे ग्रीस ख़त्म हो गई है। दोबारा से जब आपकी नसों को आप तानने लग जाते हैं, पहले तो लॉक खुलता है, पहले घुटने जाम जो हैं हल्के होते हैं, फिर धीरे 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 नाड़ियाँ सबल होने लगती हैं, बलवान बलवती होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे वापस आ जाओ। दूसरी तरफ से जितनी देर आपने तान के रखा है, सांस अंदर रोक लो, और अगर हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर रोकने की ज़रूरत नहीं है, फिर आराम से भरा, भर के छोड़ दिया और सामान्य सांसें चलने दो बस। एक पाद सालंब अर्धहलासन या सालंब एक पाद अर्धहलासन, इसको 5-10 बार कर सकते हैं। फिर एक बार कर लेते हैं, घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है ये व्यायाम, ही बड़ा मज़ेदार है। आप खुद करेंगे, जिनको घुटनों का दर्द नहीं भी है उनको भी ऐसे लगेगा जैसे माथे पे पसीना आ गया। क्यों, बहुत पहाड़ चढ़ के आए हो? नहीं। पत्थर तोड़ के आए हो? नहीं। शरीर को ताना है, स्ट्रेचिंग दी है,
फिर शरीर को स्ट्रेचिंग देते हैं तो पसीना आ जाता है, अपने आप अंदर से बॉडी डिटॉक्स हो गई। इसको बोलते हैं जल तत्व शुद्ध हो गया। शरीर में पांच तत्व शुद्ध करने होते हैं ना, तो जल तत्व शुद्ध हो गया पसीना आने से। शांत, पहला व्यायाम किया, इसको छः बार से लेके 10 बार तक कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर सुबह शाम कर लें थोड़ा थोड़ा तो और भी अच्छा। शरीर को ढीला छोड़ दो आधे एक मिनट के लिए शांत, क्योंकि आपके लिए चाहे थकान नहीं हुई लेकिन जिसको घुटनों का दर्द है तो समझ के चलिए उसके शरीर का सामर्थ्य इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो तो पहले अभ्यास में ही थक जाएगा। तो उसको बोलो करके थोड़ा रुक जा, फिर दोबारा बेशक इसको कर ले अगर पहली बार में एक साथ नहीं होता तो। घुटनों के दर्द का दूसरा व्यायाम, टांगे मोड़ी, मोड़ करके पहले क्या करना, दाई टांग को इस तरह से बाई टांग पे चढ़ा दो। ध्यान से देख लेना कोई स्टेप मिस ना हो जाए, और फिर इस तरह से घुटने टांग के वहीं से जहाँ से पहले पकड़ा था, कहाँ से पकड़ा था हमने, हमने पकड़ा था जहाँ हमारी ये घुटने का बेस है, बस वहीं से पकड़ लो फिर। और इस बार क्या करोगे, इसको ढीला छोड़ दो, ये टांग ढीली छोड़ी हुई है, इस बार हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ये आएगा नहीं, जिनको घुटने का दर्द है, जिनके घुटने लॉक हैं उनका आएगा नहीं, लेकिन कर सकते हैं। किसी किसी की 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे उनकी ये वाले व्यायाम से दर्द बढ़ जाएगी, उनको रहने दो, उनको बोलो, बाकी ये 95 जो बचते हैं वो कर लें, उनके घुटने सीधे हो जाएंगे। कईयों के घुटने मुड़ जाते हैं, अपनी जगह पे नहीं रहते, इससे अपनी जगह पे आ जाएंगे घुटने, जो एक साइड से गैप आ जाता है दूसरी साइड पे गैप कम हो जाता है, मुंह खुल जाता है घुटने की हड्डी का, घुटने के जॉइंट का, तो मुंह नहीं इससे खुलेगा, इससे मुंह बंद दोबारा हो जाएगा, इससे इस घुटने को ये घूमता है अपनी तरफ वापस। इससे कूल्हे पे पूरी टांग पे यहाँ खिंचाव पड़ता है, उस खिंचाव से क्या होगा, उससे आपकी नाड़ियों में खून का प्रवाह तेज हो जाएगा। घुटनों का दूसरा व्यायाम, घुटनों के दर्द का, एक सेट हो गया ये, इस तरह से 4-5 सेट कर सकते हैं, 4-5 बार इधर से और इधर से। ये हो गया दूसरा व्यायाम, और जब ये दूसरा व्यायाम हो जाए बेशक फिर से ये वाला कर लो एक बार, क्यों, क्योंकि उससे थोड़ी घुटने मुड़ गए, इससे फिर सीधे हो जाएंगे, तो किस कहीं ना कहीं आपके शरीर में बहुत बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, हृष्ट पुष्ट हो जाता शरीर। तीसरा व्यायाम, लेट करके पैरों के पंजे अपनी तरफ खींचो, इससे अपने आप जो आपका घुटना है वो सीधा होने लग जाएगा। कोशिश करके जहाँ आपका घुटना है, ये बेस है उसका, यहाँ पे एक तौलिए का रोल बना के रख लो नीचे, बस उसको फिर प्रेस करो, फिर घुटने, ये चौथा व्यायाम, घुटने हिलाओ लेटे लेटे, जैसे घोड़ा खड़े होके चलाता है घुटनों को, आप लेटे लेटे चलाओ। ये चौथा व्यायाम तो घुटने के हिलाने वाला बड़ा सरल है, कोई भी घुटने का दर्द का व्यक्ति कर सकता है आराम से। 4 में से 3 व्यायाम तो सब कर सकते हैं, एक व्यायाम ऐसा था जो 95 लोग करेंगे, 5 को नहीं सूट करेगा, तो जिन 5 को ना सूट करे छोड़ दो, क्या है, एक दो बार करके पहले दिन ना करो, पहले 3 कर लो ये,
कुछ दिन तीन करो, फिर चौथा ऐड करके देखना। चौथे से और सुकून मिले, अगर और आराम बढ़े, और ज़्यादा खुल जाए। कई कई बार क्या होता है, उस वक्त दर्द करेगा, लेकिन बाद में आपको सारा दिन में लगेगा ये तो घुटना मेरा ज़्यादा नरम हो गया। तो उस व्यक्ति को वो करा दो, जिसको लगे नहीं आज सारा दिन दर्द रह गई है तो फिर उसको ना कराओ। तो घुटनों के दर्द के लिए जितनी बादी चीज़ें हैं सब बंद कर दो। आलू, कड़ी, उड़द जिसको माँ बोलते हो, राजमा, सरसों का साग, चावल, नींबू, दही, और इसके अलावा घुटनों के दर्द में चने की दाल, और ठंडा खाना, बासी खाना, कल का खाना। घुटने चलाते जाओ साथ साथ, सभी चलाओ और साथ साथ सुनते जाओ। मैदा, फ्रिज का खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब मना होता है। इमली मना होती घुटनों के दर्द में, खटाई मना होती। खट्टा नहीं खाना, फिर विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? गेहूं के ज्वारे से मिलेगा विटामिन सी, मटर से मिलेगा विटामिन सी। हालांकि मटर भी वायु कारक है, गैस करता है, लेकिन कभी कभी खाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। गेहूं का ज्वारा खाया जा सकता है, उससे क्या मिलेगा विटामिन सी। विटामिन सी थोड़ा 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 गाजर में, थोड़ा थोड़ा शिमला मिर्च में, और अन्य सब्जियों से मिल जाएगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी इंसान की। खटास वाला नहीं लेना। आंवला खा सकते हैं कि नहीं घुटनों के दर्द में? नहीं, आंवले का रस नहीं पी सकते, आंवले का चूर्ण नहीं ले सकते। अगर किसी दवाई में आंवला डला, जैसे च्यवनप्राश आदि है, तो उसमें आंवला चल जाएगा। त्रिफला में आंवला डला है वहाँ चल जाएगा। अन्य औषधियों में जहाँ त्रिफला डला है, बुखार की दवाइयों में त्रिफला डला है, वहाँ पे आंवला चल जाएगा घुटनों के दर्द में। अलग से आंवला नहीं चलेगा, जो कच्चा आंवला या आंवले का अचार, ये नहीं चलेगा। आंवले का मुरब्बा कभी कभी चल जाएगा, क्योंकि उसको चाशनी में उबाल लिया है, तर कर लिया है, उसका खटास वाला गुण खत्म कर दिया है, मार दिया है। तो फिर भी वो ये नहीं कि वो पथ्य हो गया, पथ्य तो नहीं होगा वो, लेकिन वो मना में भी नहीं आता। जिसकी घुटनों का दर्द बैलेंस कर लिया किसी ने, परहेज वरहेज करके, दवाई ववाई करके ठीक कर लिया अपने आपको, तो वो खा सकता है फिर बाद में। ऐसे व्यक्तियों को हम आंवले का मुरब्बा दे देते धोके, तो क्या होता है कि उनको भी विटामिन सी मिल गया, बस ढंग अलग हो गया। तो ये मैंने चीज़ें बताई घुटनों के दर्द के लिए। पहले एक दो व्यायाम करा दूँ और घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए एक दो व्यायाम क्या है वो व्यायाम आओ कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुप्त ताड़ासन। सुप्त ताड़ासन कैसे होता है? सांस भरा और हाथों के इस तरह से उधर खींच दो, पैरों को उधर खींच दो, सांस छोड़ के वापस। सांस भरा, तान दो, पैर के पंजे मिले, अंगूठे मिले, हाथों के भी आपस में अंगूठे मिले, बस दोनों शरीर के जो छोर हैं, किनारे हैं, ये दूर दूर तक खींच दो। बस जो ऊपर का हिस्सा उसको ऊपर खींच दो, जो नीचे का हिस्सा उसको नीचे खींच दो। ये दो तीन बार, चार बार कर सकते हैं। ये भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है।